नमस्कार और स्वागत है आप सबका नेचुरल हेल्थ टिप्स में। मेरा नाम है प्रियंका। आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं जो सैकड़ों वर्षों से दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें इतने चमत्कारी गुण हैं कि ये लगभग हर परेशानी को दूर कर सकती है। मैं अश्वगंधा की बात कर रही हूँ। इस पौधे को आप अपने गार्डन में या पॉट में उगा सकते हैं। मेडिसिनल यूज के लिए आपको अश्वगंधा हर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। इसे ज्यादातर पाउडर और तेल के रूप में बेचा जाता है। आजकल तो आपको अश्वगंधा ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो आइए अश्वगंधा के टॉप 5 फायदे डिस्कस करते हैं। क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपको हमेशा चिंता होती है कि आपके बच्चे आलसी है और कुछ नहीं करते? आपको अश्वगंधा ट्राई करना चाहिए। कई डॉक्टर्स और रिसर्च का मानना है कि अश्वगंधा का पाउडर या चूर्ण खाने से आलस दूर हो जाता है। अश्वगंधा को अपने खाने में अपनाएं और अपने परिवार को तंदुरुस्त बनाएं। अश्वगंधा एक अच्छी एंटी एजिंग दवा है। ये आपकी उम्र को यानी खूबसूरती को कायम रखने में मदद करती है। आप रोज अश्वगंधा को खाइए और आपके सर पे जो सफ़ेद बाल हैं या आपके चेहरे पे जो रिंकल्स हैं वो फिर कभी नज़र नहीं आएंगे। अश्वगंधा सिर्फ ब्यूटी को ही नहीं ब्रेन को भी बढ़ाती है। अगर आप रोज अश्वगंधा खाएंगे तो आपकी बुद्धि शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। बुद्धि शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ अश्वगंधा तनाव से भी राहत देती है। अश्वगंधा के तेल से शरीर को मालिश करने पर घुटनों का दर्द या पीठ का दर्द आदि कम हो जाती है। अश्वगंधा को अपने खाने में मिलाने से पहले ये बातें याद रखें। गर्भवती स्त्री को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा अश्वगंधा खाने से आपको बुखार हो सकती है। कोई चिंता की बात नहीं, आप थोड़े समय तक अश्वगंधा को ना खाएं और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेचुरल हेल्थ टिप्स का विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नया विषय डिस्कस करने। तब तक अलविदा।